नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जानकारी के साथ। ज्ञानवापी के तहखाने से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कमल और त्रिशूल के निशान भी मिले हैं। सूत्र के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है। तहखाने में कलश की आकृति भी मिली है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तहखाने में 4 फुट की मूर्ति मिली है। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कमल और त्रिशूल के निशान भी मिले हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है। सुबह 7 बजे से एसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे के दौरान विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली गई। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, कमल और त्रिशूल के निशान मिले हैं। आपको बता दें, ज्ञानवापी के तहखाने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहखाने में कलश की आकृति भी मिली है। सूत्रों के हवाले से निकल कर एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, तहखाने का दरवाजा खुला और सर्वे टीम भीतर पहुंची। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर के भीतर करीब 61 लोग मौजूद रहे। विभाग की टीम के साथ साथ हिंदू पक्षकार, हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। आपको बता दें, दोपहर के लिए सर्वे के काम को रोका गया था। दोपहर करीब 2:30 बजे से एक बार फिर सर्वे का काम शुरू हुआ। इससे पहले करीब 4.5 घंटे के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण चीजें मिलने का दावा किया गया है। इसमें एक तो आपको बता दें, वही मुस्लिम पक्ष के इस प्रकार की कोई चीज नहीं मिलने की बात कह रही है। आपको बता दें, तो वही इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौबे वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि तहखाने में आकृति भी मिली है कलश की। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके कई बड़े मायने हैं। लगातार हिंदू पक्ष जिस चीज का दावा कर रहा था और उनका कहना था कि जो है कहीं ना कहीं तहखाने में जो चीजें हैं वो निकल के सामने आ सकती है, और यही वजह है कि आज तहखाने की चाबी सौंपी गई मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू पक्ष को, और उसके बाद जो है तहखाना खोला गया उनकी मौजूदगी में। जब तहखाना खोला गया, सबसे पहले उसमें नगर निगम डिक्रीमेंटल हुई और वहां पर बकायदा झाड़ू और अन्य चीजों के साथ वहां का मलबा हटाया गया, साफ सफाई की गई। उसके बाद अंदर जाकर सर्वे चल रहा है, और लेकिन जो खबर निकल के सामने आती है कि जो मूर्ति मिली और खबर त्रिशूल के स्थान निकल के सामने आ रहे हैं, जिस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है, हालांकि उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो ये क्या पे बहुत बड़ी बात है। और ये चीजें जो है लगातार हिंदू पक्ष का दावा कर रहा है, उस दावे के ऊपर ये कहीं ना कहीं मोहर लगाती है ये तस्वीर और ये पूरा जो वाक्य है। तो अभी सर्वे लगातार जारी, आज दूसरा दिन है, तो एक जो है टीम अंदर अपना काम कर रही है। और आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से इस सर्वे का बहिष्कार करने के बाद आज मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि इस सर्वे में मौजूद है, वो भी इस सर्वे में शिरकत कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि 2 दिनों तक उन्होंने लगातार सर्वे का बहिष्कार किया। कल सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट से शाम को जैसा मिली है और कलश और त्रिशूल के साथ, तो वो भी काफी अहम है। लेकिन हालांकि इस चीज का अधिकारी ना किसी अधिवक्ता ने ना आदि पक्ष ने यह बयान किया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात अगर ऐसा हो। तो वहीं आपको बता दें, तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है। आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कमल और त्रिशूल के निशान भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर जान निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज्ञानवापी के तहखाने से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले करीब 4 घंटे के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण चीजें मिलने का दावा किया गया था। तहखाने में कलश की आकृति भी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है। सुबह 7 बजे से एसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे के दौरान विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली गई। सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तहखाने का जब दरवाजा खुला और सर्वे टीम भीतर पहुंची, तो सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर के भीतर करीब 61 लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम के साथ साथ हिंदू पक्षकार, हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि शामिल हुए। दोपहर के बाद सर्वे के काम को रोका गया। करीब 2:30 बजे फिर से कार सर्वे का काम शुरू हुआ। इससे पहले करीब 4.5 घंटे के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण चीजें मिलने का दावा किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, कमल और त्रिशूल के निशान की जानकारी मिली है। तहखाने में कलश की आकृति भी मिली है।
बढ़ते खबरों में आगे, बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा नेत्री जया प्रदा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है, जिसकी अगली तारीख 17 अगस्त है। मामला 2019 के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के जया प्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सपा सांसद समेत आजम खां और सपा सांसद सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी सुनवाई मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। मामले में जया प्रदा को बयान के लिए आना था, लेकिन पिछली कई तारीखों पर जया प्रदा अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची, जिसके बाद में कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। तो मुरादाबाद में जया प्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने अगली तारीख 17 अगस्त तय की है। पूर्व मंत्री आजम खां ने अवैध टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें, जया प्रदा को लेकर यह मामला मुरादाबाद में चल रहा था। जया प्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। तो पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें, 17 अगस्त अगली तारीख तय की गई है। इसके साथ ही जयप्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है मुरादाबाद में। आपको बता दें कि मामले में जयप्रदा को बयान के लिए आना था, लेकिन पिछले कई तारीख की वजह से वो नहीं आ पाई। तारीख में जयप्रदा अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची, जिसके बाद में कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। तो 17 अगस्त को कोर्ट में पेशी होगी अब जया प्रदा की। आपको बता दें, जिसकी सुनवाई मुरादाबाद एमपीएमएलए कोर्ट में हो रही है। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? लेकिन मैं आपको बता दूं, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसपी हसन के जीतने के बाद एक कार्यक्रम आज का आयोजन किया गया मुरादाबाद में किया गया था, जिसमें मुरादाबाद में जो था जयप्रदा को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर जयप्रदा के जो मीडिया प्रभारी थे उनके द्वारा एक शिकायत मुरादाबाद जनपद के कटरा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के सपा सांसद डॉक्टर एस पी हसन को आरोपी बनाया गया था और इसके साथ ही सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, इसमें यहाँ पर बेलेबल वारंट पर जारी हुए, क्योंकि उनके द्वारा अभी तक मुरादाबाद में पहुंचकर अभी बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं। जी, तो शारिक, इसमें किन किन लोगों पर खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? इसमें जो एलिगेशन लगे थे उसमें समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के सांसद थे और इसके साथ ही जो इस कार्यक्रम के उपस्थित थे, तो यहाँ सपा नेता आजम खान थे और अब्दुल्ला आजम थे और जो कार्यक्रम के आयोजक थे, उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, इसमें मुकदमा दर्ज किए गए थे। इसमें लगातार जो है तारीखें हो रही है कोर्ट में जो है तुम्हारा, इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी हसन भी जो है तमाम न्यायालय में तारीख में गए थे और इसके साथ ही जो इसमें न्यायालय के द्वारा जो है जयप्रदा जी है उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो न्यायालय में नहीं पहुंची, जिसके कारण से जो है तुम्हारा अवेलेबल वारंट जारी किए गए हैं। जी, तो शारिक, ये जयप्रदा को बयान के लिए पहुंचना था कोर्ट, लेकिन पिछले कई तारीख में जयप्रदा अपने बयान दर्ज नहीं कराने पहुंची, जिससे बाद में कोर्ट ने अब वारंट जारी कर दिया गया है। जी, तो आपको बता दें, इसको लेकर जयप्रदा के कोई बयान सामने आया है अभी? नहीं, इस पे जो जो इनके मीडिया प्रभारी हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि जो कोर्ट ने न्यायालय ने बुलाया, न्यायालय में उपस्थित होंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे। जी, तो कोर्ट ने अगली तारीख कब दी है? कोर्ट ने इसमें जो है अगले महीने की तारीख दी है और इसमें जो अगले महीने में जो है तुम्हारा मुरादाबाद के अंदर जो जयप्रदा है ये पहुंचेंगे और सिपाही सपा नेता जिनके पे एलिगेशन है वो लोग पहुंचेंगे और इसमें जो है अगली सुनवाई होगी। जी, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए शारिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, झांसी में एक कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस खबर के सामने आने के बाद से शहर से में सुबह समय सनसनी फैल गई। वहीं जानकारी मिलने पर एसएसपी राजेश एन सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी मानसिक रूप से रोगी बताया जा रहा है। झांसी का ये मामला है जहां पर कलयुगी बेटे ने मां बाप की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी, डंडे से पीट पीट कर उनके मौत के घाट उतार दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं आपको बता दें, आरोपी मानसिक रूप से रोगी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर दी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। उधर बिजनौर के किरतपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर कई कई फीट तक पानी भर गया। बता दें कि हाईवे से लेकर गलियों तक बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसे नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं हाईवे पर जलभराव के चलते बीच पानी में एम्बुलेंस खराब हो गई, जिस वजह से ड्राइवर ने खुद गाड़ी से उतरकर धक्का लगाकर एम्बुलेंस को पानी से निकाला। तो बिजनौर का ही मामला बताया जा रहा है, जहां बारिश ने नगर पालिका की
पोल खोल दिए। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सड़कों पर कई कई फीट तक पानी भर गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस दौरान एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई, जिसके चलते ड्राइवर ने गाड़ी से उतर कर खुद गाड़ी को धक्का लगाया है, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचा है। तो गाड़ी को लेकर आपको बता दें, ड्राइवर एम्बुलेंस ड्राइवर ने गाड़ी को धक्का लगाया, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचा है। आपको बता दें बिजनौर से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जलभराव में ये एम्बुलेंस फंस गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्ची से गैंगरेप और हत्या के बाद भट्टी में जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसे लेकर हंगामा जारी है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। फिर भी क्योंकि भीलवाड़ा की घटना थी, चारों पांचों मुजरिम को रात को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस और क्या करेगी, तो करेगी। एक्शन करने में हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहां घटना नहीं होती है। फिर भी क्योंकि मणिपुर को डायल्यूट करना केस को, जहां इन्होंने भारी ब्लंडर किया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके, आज वहाँ 80 दिन 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी, 3-4 हजार FIR दर्ज हो गई वहाँ पर। दो समुदाय जो उसी स्टेट के हैं, आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं, उनके पास हथियार आ गए हैं, या तो लूट लिए हैं या पुलिस ने दे दिए हैं, क्योंकि 47 भी उसके अंदर शामिल है। उस राज्य से आप कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, ये पूरी तरह राजनीति है, इसको अस्वीकार करते हैं। उधर गाजियाबाद के राजनगर स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक बच्चा अपने घर के लिए सोसाइटी में जा रहा था, तभी अचानक कुछ कुत्ते उस बच्चे को घेर लेते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। आपको बता दें बच्चे को पास से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने उसकी जान बचाई है। तो गाजियाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर 3-4 कुत्ते एक बच्चे को घेर लेते हैं और उस पर भौंकते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक डिलीवरी बॉय आता है और बच्चे को कुत्ते से बचाता है। वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई और परेड के दौरान अनुशासन और एकरूपता के लिए टोली बार ड्रिल कराई गई। वहीं एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की, देखिए। इस समय इंडिया वॉइस चैनल से खास बातचीत करने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक जो अभिषेक कुमार अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कानून के बारे में जानकारी करेंगे। सर, ये बॉर्डर का एरिया सर खुली बॉर्डर होती है, सीमा की तस्करियाँ भी होती हैं, तो इसके रोकथाम के लिए कैसे सर? जनपद में पहले से पुलिस द्वारा और सशस्त्र सीमा बल द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, इनकी और समीक्षा करते हुए चेकिंग को और प्रभावी ढंग से की जाएगी, ताकि जो स्मगलिंग हो रही है उसमें अंकुश रख सके। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में जेल में गए हुए हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर रही है, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, खुली बॉर्डर होने की वजह से जो कि तस्करियाँ होती हैं, आए दिन फोर्स से भी वहाँ लगी हैं, 3-3 सुरक्षा एजेंसियाँ काम करती हैं, फिर भी वहाँ से तस्करी होती है। अभी हाल ही में चरस बरामद हुआ, तो सर इसके लिए सब कैसे निपटेंगे? एक कार्ययोजना बनाई जा रही है, क्योंकि बोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर के होने की वजह से चैलेंजेस हैं, इसमें चेकिंग और प्रभावी की जाएगी और पूर्व में जो भी लोग इस घटना में लिप्त थे उनका भौतिक सत्यापन करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ इंडिया वॉइस पर खास बातचीत कर रहे थे पुलिस अधीक्षक जवाब से कुमार अग्रवाल जी, सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के रेलवे स्टेशन से बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि मुरी एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल कोच में बैटरी के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, तो वहीं सूचना मिलते ही तत्काल दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस पार्सल कोच में आग लगी थी, उसके सामान को बाहर निकालकर उस कोच को भी ट्रेन से हटाकर अलग करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। तो अलीगढ़ में ट्रेन के पार्सल कोच में भीषण आग लग गई, बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। पटना के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सूचना और पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
उधर यूपी के हरदोई से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जेल में पेशी पर आया कैदी सिपाही को शराब पिलाकर फरार हो गया। शाम तक जब सिपाही कैदी को लेकर वापस नहीं पहुंचा तो हड़कंप मच गया। सिपाही की तलाश के लिए गई तो वह देर शाम को अपने कमरे में शराब के नशे में बेहोश मिला। सिपाही से जब कैदी के बारे में पूछा गया तो वह कुछ नहीं बता सका। मौके पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सिपाही को हिरासत में लेकर जिला चिकित्सालय में उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया। उधर कैदी की खोजबीन में कई टीमें लगा दी गई हैं। बता दें कि पुलिस ने फुरकान को 2018 में चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शुक्रवार को फुरकान की न्यायालय में पेशी थी। पुलिस अभिरक्षा में अन्य कैदियों के साथ फुरकान को भी न्यायालय लाया गया, लेकिन पेशी के दौरान वो फरार हो गया। तो हरदोई से यह मामला सामने आया, जहां सिपाही को शराब पिलाकर कैदी फरार हो गया, पेशी पर लाया गया था कचहरी। इस दौरान सिपाही को शराब पिलाकर एक कैदी फरार हो गया। फिलहाल इसकी तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं। उधर एटा में अंतर जनपदीय लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बता दें मुठभेड़ में चारों बदमाशों और एक पुलिसकर्मी की गोली लग गई है। वहीं चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। बता दें कि थाना महारा और इंटेलिजेंस टीम ने SSP राजेश कुमार सिंह के निर्देशन से बड़ी कार्रवाई की है। तो एटा में पुलिस की अंतर जनपदीय लुटेरे से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में चार बदमाश घायल हो गए, इसके साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बाइक और तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उधर उन्नाव की पूर्वा कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को प्राचीन मूर्तियां चोरी कर उनकी खरीद फरोख करने वाले गृह का भांडाफोड़ किया है। इसमें पुलिस ने प्रतापगढ़, रायबड़ी, बलिया, कौसाम्बी, कानपुर, चित्रकूट समेत कई जिलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पुलिस ने प्राचीन मूर्ति, दो कारें, 4180 रुपये नकद और 12 मोबाइल भी बरामद की है। तो नाव से ये मामला सामने आया, मूर्तियां चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरामद की गई प्राचीन और दो कारें भी आरोपी के पास से बरामद की है। कौशाम्बी जिले में पशु चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। घायल चोर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें पशु चोर बदमाश को करारी थाना के गैंगस्टर बताया जा रहा है। बदमाश के ऊपर हत्या का प्रयास, मारपीट, NDPCS पशु कुर्ता के साथ कई सारे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो कौशाम्बी में पुलिस और की मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बदमाश पर आपको बता दें कई धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। उधर रायबरेली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सवरिका सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के रेलवे स्टेशन का कल शिलान्यास करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। तो वहीं रेलवे स्टेशन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने से रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलती नजर आ सकती है और बेहतर सुविधाओं से लैस होगा रायबरेली का रेलवे स्टेशन और जनपद वासियों को भी इससे लाभ मिल सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दरोगा के खिलाफ ही केस दर्ज होने का एक अनोखा मामला सामने आया है। ये केस किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही विभाग के अधिकारी ने दर्ज करवाया है। दरअसल दरोगा पर 6 साल पहले उन्नाव के हसनगंज थाने में पोस्टिंग के दौरान 72 केस डायरी गायब होने का आरोप है। अब विभागीय जांच के बाद SP के निर्देश पर दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर राजेश सिंह के मुताबिक 2017 में हसनगंज थाने में दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार मिश्र तैनात थे। CO कार्यालय में आपराधिक मामलों की 72 केस डायरी आई थी। हेड कांस्टेबल ने कोर्ट में केस डायरियों को दाखिल करने के लिए दरोगा दिनेश कुमार मिश्र को सौंपी थी, लेकिन दरोगा ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल नहीं की, जिससे कई मामले पेंडिंग पड़े हुए थे। दरोगा से पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब SP सिद्धार्थ शंकर मीना ने मामले की जांच ASP शशिशेखर सिंह से कराई। मामले की जांच में दरोगा को केस डायरी गुम करने का दोषी पाया गया। उधर रायबरेली के जिला अस्पताल में स्थापित आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का DM ने निरीक्षण किया। तो वहीं DM के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। बता दें निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर DM माला श्रीवास्तव ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि CDO और समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो रायबरेली में जिला अस्पताल का DM ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान DM के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली, जिसको लेकर अधिकारी को उन्होंने दिशा निर्देश दिए।
उधर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला झांसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की घटना पर बोलते हुए कहा कि मानसिक विकृति का नतीजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बचपन में जो बच्चे प्रताड़ित किए जाते हैं वो बड़े होने पर वे मानसिक विकृति के शिकार हो जाते हैं। मणिपुर की घटना को भी इसी प्रकार के लोगों ने अंजाम दिया है। ऐसे लोगों का कोई मजहब या जाति नहीं होती। जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद के छल्लर थाना क्षेत्र के सदरपुर में खेत के पास अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताते मृतक घटना के समय अपने खेत के पास काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों से अपनी बहन के घर पर रह रहा था। तो वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। तो वहीं एसएसपी समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो मुरादाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर अपनी बहन के घर अधेड़ रह रहा था, जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची और भारी पुलिस पर मौके पर मौजूद है। वहीं लगातार पुलिस प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब बात करते हैं हरियाणा की खबरों की, जहां पर जिला लघु सचिवालय चरखी दादरी में राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है और कर्मचारी को अनदेखा कर रही है। उसी को लेकर आज कर्मचारियों ने थाली बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत सरकार को जगाने का काम किया। लेकिन कर्मचारी का कहना है कि आज थाली बजाओ सरकार जगाओ के तहत सरकार जगाने का काम किया जा रहा है। कल सरकार का पुतला फूंक देंगे और उसके अगले दिन भी वह काला दिवस मनाएंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो पूरा कर्मचारी संगठन एकजुट होकर बड़ा फैसला लेंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। साथ ही अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा तो कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। खबर गुरुग्राम से, जहां पटौदी में शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकालकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही हिंसा होने पर हिंदुओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी के पुराने कोर्ट में पर हिंदू संगठनों के लोगों ने एकत्रित होकर बाजार में दुकानों को बंद करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर मेवात हिंसा में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो गुरुग्राम में मेरे साथी जो थे वो वहाँ प्रत्यक्ष दृष्टि जिन्होंने आकर के यहाँ बताया, मास्टर लवकेश जी थे हमारे, अपने राजेंद्र यादव जी थे, जो और भी पटौदी के काफी लोग वहाँ गए हुए थे। एक सवाल मेरा ये है कि क्या ये ज्ञापन है या अल्टीमेटम है प्रशासन को? देखिए ये दोनों चीज है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये ज्ञापन भी है और अल्टीमेटम भी है कि यदि अब भी यहाँ कंट्रोल नहीं किया गया तो हम जो शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें खटास आ जाए। हमने ये डिमांड करी, सबसे पहले तो हमारे साथ जो कांड हुआ ना वो इक्वल टू जलियांवाला बाग। इस प्रकार की हरकत हमारे साथ की गई, जिस प्रकार जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को एक कुएं में बंद करके मारने का संघर्ष किया था, वो काम हमारे साथ हुआ। मैं वहां था, मैं एडीजी ममता जी का और आलोक मित्तल जी का और बीच जी का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनको बार बार फोन करते रहे, 6:30 बजे के आसपास हमारे पास प्रशासन पहुंचा और प्रशासन हमारे सामने ये कह रहा है कि मुझे डंडे वाले नहीं चाहिए, मुझे असला चाहिए असला। तो आप सोचिए हमारी कंडीशन क्या थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।